PCOD, श्योर शॉर्ट टॉपिक ऑफ MCI। यस, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम इसे बहुत जल्दी याद कर लेंगे आज। चलिए पढ़ते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में। तो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप क्या है इसकी? रिप्रोडक्टिव एज। तो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप इज रिप्रोडक्टिव एज। और पीसीओडी हमेशा इज अ स्लो ऑनसेट, तो कभी नहीं भूलना है क्या? पीसीओडी इज अ स्लो ऑनसेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिम्टम्स की। तो चार चीजें याद कर लेनी है सिम्टम्स में, दैट इज फर्स्ट वन इज टेंडेंसी टुवर्ड्स ओबेसिटी। तो मोटा होगा कौन? जिसको होगा पीसीओडी। पीसीओडी वाले लोग कैसे होते हैं? मोटे। दूसरा नंबर, उनके मुंह पे क्या होते हैं? पिंपल्स, मुहासे, सारी चीजें होती हैं। उसके बाद उनके मुंह पे क्या होते हैं? दाढ़ी पे दाढ़ी आ जाती है। मुंह पे क्या आ जाती है? दाढ़ी, ठीक है। उसके बाद एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, यानी कि गंजापन भी आ जाता है। उसके बाद उन्हें पीरियड्स कम आते हैं और इनफर्टिलिटी होती है, तो चार चीजें हैं, टेंडेंसी टुवर्ड्स ओबेसिटी, एक्ने, हिर्सुटिज्म, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, ऑलिगोमेनोरिया, इनफर्टिलिटी। तो ये चार चीजें सिम्टम्स हैं किसके? पीसीओडी के। चलिए अब इसकी बाद में बात करेंगे हम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। किसकी बात करेंगे? लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रोक। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रोक। दूसरा नंबर कैंसर, तीसरा वाला है मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम। मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम में चार चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं? चार चीजें। सबसे पहले पीसीओडी, दूसरा डायबिटीज, तीसरा ओबेसिटी, चौथा हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले पीसीओडी, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन। तो ये चार चीजें आती हैं मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम में। तो जो चौथी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज डायबिटीज मेलिटस, पांचवा वाला है स्लीप एपनिया, एंड सिक्स वन इज फैटी लीवर, तो जल्दी से, स्ट्रोक, कैंसर, मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम, डायबिटीज मेलिटस, स्लीप एपनिया और फैटी लीवर, ये छह जो है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है किसकी? पीसीओडी की। अब डायग्नोसिस के लिए जो क्राइटेरिया यूज होता है उसका नाम है रोटेंडम क्राइटेरिया। क्या नाम है? रोटेंडम क्राइटेरिया। तो रोटेंडम क्राइटेरिया के अंदर तीन चीजें हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, तो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन देखने मिलता है, ठीक है। हाइपर एंड्रोजेनिज्म, ठीक है। उसके बाद यूएसजी फीचर्स में हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ फॉलिकल्स मोर देन 12, फॉलिकल्स का नंबर 12 से ज्यादा, फॉलिकल का साइज 2 से 9 mm, 2 से 9 mm, ओवेरियन वॉल्यूम मोर देन 10 cc, तो रिटेंडम क्राइटेरिया में तीन चीजें क्या क्या आती है? मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, यूएसजी फीचर्स में नंबर ऑफ फॉलिकल मोर देन 12, और इनका साइज कितना होता है? 2 से 9 mm, 2 से 9 mm। ओवेरियन वॉल्यूम कितनी है? मोर देन 10। अगर इन तीनों में से कोई भी दो चीजें प्रेजेंट होगी तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे? कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ पीसीओडी। जब हम यूएसजी करेंगे तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी था आपकी बार, तो हमें क्या अपीयरेंस देखने मिलेगी? नेकलेस और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल एक्सपीरियंस, अपीयरेंस देखने मिलेगी इसमें, ठीक है। ये देख, उसके बाद हम बात करेंगे ई टू ई वन की रेशियो की। ई टू ई वन रेशियो की बात करेंगे, ठीक है। तो ई टू ई वन रेशियो में जो सबसे पहले हमारे नॉर्मल होती है, दैट इज 2:1, 2:1 इज नॉर्मल। और पीसीओडी में उल्टा हो जाता है 1:2, 1:2। तो नॉर्मल कितनी? ई टू ई वन रेशियो कितनी नॉर्मल? 2:1, और पीसीओडी में उल्टा कितना? 1:2। चलिए नॉर्मल एफ एस एच एल एच रेशियो कितनी होती है? 2:1, तो नॉर्मल 2:1, बट पीसीओडी में कितनी? 1:2, पीसीओडी में कितनी? 1:2। चलिए नॉर्मल एंड्रोजन कितना? 70 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। नॉर्मल कितना? 70, 70 इज नॉर्मल। पीसीओडी
पीसीओडी में कितने एंड्रोजन्स हो जाते हैं? 70 to 150 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, 70 से लेके 150 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक हो जाते हैं क्या एंड्रोजन, किसमें? पीसीओडी। इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे गाइस, तो सबसे पहले क्या है, ओबेसिटी कम करनी है, तो डिक्रीज ओबेसिटी एंड स्ट्रेस, डिक्रीज ओबेसिटी एंड स्ट्रेस। दूसरा नंबर क्या है, डायबिटीज मेलाइटस, तो डायबिटीज मेलाइटस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है हमारे पास, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन। तीसरा वाला है एंड्रोजेनिक फीचर्स के लिए, तो एंड्रोजेनिक फीचर्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है ओसीपीज, ड्रग ऑफ चॉइस है ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। तीसरा, चौथा नंबर है हमारा फॉर ओलिगो एमनोरिया, फॉर ओलिगो एमनोरिया, तो हमारा क्या है इसके ट्रीटमेंट, प्रोजिस्ट्रॉन विड्रॉल ब्लीडिंग, तो क्या करेंगे, प्रोजिस्ट्रॉन विड्रॉल ब्लीडिंग करवाएंगे हम इसमें, ठीक है। और इनफर्टिलिटी के लिए क्या कराएंगे, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, लेट्रोजोल, तो इनफर्टिलिटी के लिए लेट्रोजोल। सबसे पहले ओबेसिटी कम करनी है, स्ट्रेस कम करनी है, उसके बाद डायबिटीज मेलाइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन। फॉर एंड्रोजेनिक फीचर्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है ओसीपीस, ओसीपीस। फॉर ओलिगोमेनोरिया प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉल ब्लीडिंग, फॉर इनफर्टिलिटी ड्रग ऑफ चॉइस इज लेट्रोजोल।